अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। यहाँ थोड़ा आराम से चलाना, बाई तरफ स्पीड ना ज्यादा ना कम, ठीक है? ठीक है, आराम से। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? टीला 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 टीला। हाँ टीला क्या होता है? टीला जो 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 कुबर जैसा होता है ना, ऊंचा ऊंचा, बेल बेल के पीछे होता है। क्या कुबर बेल? क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? स्पीड ब्रेकर है, आराम से। क्या कर रही हो कुहू? स्पीड ब्रेकर था वो, यही तो कह रहे थे ऊंचा वाला। अरे क्या कर रही हो, स्पीड ब्रेकर है, बैल कुबर नहीं है, संभालो स्कूटर पलट जाएगी। बहुत बड़ी भूल कर रहे हो भानु, एक बाप को इस वक्त जेल में नहीं बेटे के सिरहाने पर होना चाहिए, उसके हाथ हथकड़ियों में नहीं उसकी पेशानी पर होने चाहिए। जज साहब देखिए, हमें आपको गिरफ्तार करना ही होगा। रुको। गोली हमने चलाई, नहीं नहीं वो जो बोले ना उसमें ब्रेकर, स्पीड ब्रेकर, हाँ, उसमें हाँ। कुबर जो होता है बेल के ऊपर। ठीक है ओके चलाओ। देश ये क्या कह रहा है तू? गोली हुक्म ने नहीं हमने चलाई है। तुझे पता है ये सच नहीं है, क्यों कर रहा है ये? औसा जी के बहुत एहसान है हम पर, अब वक्त है एहसान चुकाने का। एहसान उनके नहीं है हम पर, एहसान हमने उन पर किया है, एहसान तूने किया है उन पर। तुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है आदेश। वो पिस्तौल हमारी है, भानु चाचा से देखने में कुछ गलती हुई होगी। पिस्तौल हमारे हाथ में थी और गलती से गोली चल गई और गोली संजीव को लग गई। इंस्पेक्टर साहब ये झूठ बोल रही है। ये क्या कह रहे हैं? देखिए ना ये, आप खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आप जानते हैं ये सच नहीं है, बोलिए ना कुछ। यार गोली गलती से चली तो पहले बताना चाहिए था ना। अरे भानु, भानु भी इतना उतावला हो गए कि पुलिस को बुला के गलत सलत बयान दे रहा है। हाँ इंस्पेक्टर क्या करना है बताइए। ये क्या कर रहे हैं आप? आपको पता है ये सब सच नहीं है, वो हमारा देश है, कि क्या कर रहे हैं आप? सवाल लेंगे, कानून को अपना काम करने दो। बेशर्मी की हद होती है, अपना जुर्म आप इस पर डाल रहे हैं। अरे बेशरम हम नहीं तुम हो भानु, अरे घर की रंजिश को सरेआम तमाशा बना रहे हो तुम। निर्लज हो तुम, जो अपने बड़े भाई को भी जेल भेजने से गुरेज नहीं आया तुम। कौन सा भाई ऐसा करता है? इकबालिया बयान के आधार पर हमें इन्हें गिरफ्तार करना होगा। हथकड़ी लगाओ। हथकड़ी कैसे लगा सकते हैं आप? इंस्पेक्टर साहब झूठ बोल रहा है ये। चिंता नहीं करना बेटा, हम बैठे हैं। इंस्पेक्टर ख्याल रखना, घर का बच्चा है, ख्याल रखना घर का बच्चा है। झूठ बोल रहा है ये। देखिए ना वो लेके जा रहे हैं अवधेश को, रोकिए ना कुछ कीजिए ना। कानून को अपना काम करने दो, बाकी हम बैठे हैं ना, हम संभाल लेंगे। हर भूमि जानवी भाई इनको ले जाओ, ख्याल रखो इनका, पानी वानी दो, संभालो, बैठाओ इनको, संभालो अपना, हम संभाल लेंगे, देख लेंगे। अरे अब क्या हुआ? वो सामने से गाड़ी, तो गाड़ी सामने से ही आएगी ना। बहुत लड़खड़ा गाड़ी आ रहा है। तो क्या, कितनी दूर है? सामने से एकदम सड़क के बीचों बीच। अरे गाड़ी तो सड़क के बीचों बीच ही आएगी ना। सामने से आ रहा है। हाँ तो और कहाँ से आएगी? संभालो संभालो संभालो, निकल बाहर, बाहर निकल, नहीं तो धक्कन एक गोली मार के बाहर निकालूंगा। दादा अपने हाथों पर नियंत्रण रखिए, आप तो ये ऐसा ना हो कि मेरा हाथ आपके गरीबान पर पहुंचाए, और अगर ऐसा हुआ ना तो आपका अपमान हो जाएगा। अब कौन सा मान सम्मान रह गया है? निकल बाहर। घर का बुजुर्ग ही आपस में भिड़ गया, गजब परिवार है ही। देखो बहुत घबराहट, बहुत अजीब सा फील हो रहा है। जैसे चित्रा चाची की मौत हुई थी ना, वैसे ही महसूस कर रही हूं। तुम्हें याद है जानवी, श्राप लगा था। सर हाँ, मैं ब्लड लेके आया हूँ, ब्लड बैंक से, एबी नेगेटिव। नर्स ब्लड आ गया, देखो फिलहाल ये लेके जाओ। हमारे पास में कुछ भी नहीं है जानवी, आज अगर कुहू भाभी या बुआ जी होती ना तो देवी देवता को मनाती, हम भी तो भगवान से हेल्प मांग सकते हैं ना। मैं कुहू भाभी तो नहीं, सर उनकी तरह प्रार्थना तो कर सकते हैं ना।
आराम से आराम से आराम से। ये तुम क्या कर रही थी? हाँ पूजा कर रही थी, स्कूटी चला रही थी, रख के नीचे आ जाते तो अभी। इसलिए तो पूजा कर रहे थे। ठीक हो तुम? हाँ, आप ठीक हैं? हाँ। अब ना पूजा के साथ साथ हिम्मत भी दुरुस्त रखना, ठीक है? हाँ। अब है ना हमारा हिम्मत। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। लगता है ये लोग संजीव जी को जिंदा करके रहेंगे। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ जज देव नारायण चंदेल, तुम्हारा पूरा वंश नष्ट हो जाए। नहीं तारामती, मैं तेरा कहा सच नहीं होने दूंगा। श्राप का ताप वापस नहीं लौटने दूंगा मैं। इनकी पल्सेस ऐसे नीचे गिरती रही तो इनका बचना मुश्किल है। तुम डिफिब्रिलेटर तैयार करो जल्दी, चार्ज टू 300। ये सच नहीं हो सकता देवनारायण, ये कोई बुरा सपना है शायद। कोई असर नहीं हो रहा है। हे मां भवानी, बचा ले इसको, बचा ले मेरे बेटे को। बताएगी ना तू? क्यों मेरी फितरत की सजा मेरी औलाद को दे रही? इतना बुद्धिहीन है आदमी, अपने बेटे की हंसी कट कर दी, उसके बाद भी इसका विवेक नहीं जाग रहा है। अहंकार को सजो के बैठे। राजीव क्यों? चाचा, चाचा संजीव। राजीव, संजीव कैसे है चाचा? सच बोले ना चाचा? तनाव हो गया राजीव। संजीव की हालत बहुत खराब है। संजीव कुछ नहीं होगा, उनको हम कह रहे ना कुछ नहीं होगा, चलिए आओ। राजीव लौट आए और साथ में आपकी बड़ी बहू कोहिया भी है। जेल भेजा है ना मेरे बेटे को, नर्क के दर्शन होंगे आप तुम सबको। तुमसे नैना मिलाई के सोमवार से रविवार रात 9 बजे दंगल प्ले ऐप पर।